यही दोस्तों, ये आपका डीजी बाबा सप्लाई का पांचवा पार्ट है। आप इसको पूरा एंड तक देखेंगे दोस्तों। इसमें हमने अपने स्टूडेंटों का रिव्यू दिखाया जो हमसे ऑनलाइन क्लास लेते हैं। दोस्तों हमारा जो ऑनलाइन क्लास है वो एक तारीख से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला। यदि आप मोबाइल रिपेयरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो दोस्तों हमारी एक तारीख की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमको व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज सकते हैं, हम आपको भी डिटेल्स है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों हमारा यूट्यूब पर नया चैनल है आर शंकर टेक, उसको जरूर सब्सक्राइब कर ले। उसमें आपको बेसिक टू एडवांस जानकारी सभी उस चैनल पर दी जाएगी। दोस्तों आज हम देख लेते हैं डीजी बाबा सप्लाई का 5 पार्ट को, जिसमें हमने बिल्कुल डीपली बताया है किसी भी डीजी बाबा सप्लाई से हर सेक्शन की हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग को आप बिल्कुल इजीली तरीके से हटा सकते हैं। दोस्तों न्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप बहुत ध्यान से क्लास को ले रहे हो। आपको क्लास लेने में आपकी हेल्प हो रही है कि नहीं रिपेयरिंग करने में? हो रहे 100% हो रहे हैं। चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी सभी लोग आ चुके हैं। दोस्तों ये है हमारा डीसी पावर सप्लाई का पार्ट 5। इसमें बताएंगे आपको बिल्कुल प्रॉपर डीसी पावर सप्लाई किस तरह से हमारी हाफ शॉर्टिंग को निकालती है, जिसमें कि कोई पार्ट्स गर्म नहीं होता। हमने 4th पार्ट में देखा था यदि आपका मोबाइल में हाफ शॉर्टिंग रहता है तो आप उसको कैसे मल्टीमीटर से फाइंड कर सकते हो। उसमें आपने मल्टीमीटर से फाइंड करके फिर बिट मैप की मदद से अपनी शॉर्टिंग को निकाला था, ठीक है। मीटर से आपने फिर बिट मैप की मदद से आपने उस लाइन को ट्रेस किया था। सेकंड है, जब आपके पास कोई भी सेट आया जो कि हाफ शॉर्ट है, ठीक है, हाफ शॉर्ट है सेट, आपने डीजी बाबा सप्लाई को सेट किया है 4 वोल्टेज और 3 एम्पियर पर, और जैसे ही आपने सेट को लगाया तो यहां पर डीजी बाबा सप्लाई ने ऑटो रीडिंग ले लिया 0.40 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब है आपके सेट के अंदर कहीं ना कहीं हाफ शॉर्ट है, यानी लीकेज करंट है। तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपको फुल पीसीबी पर, ये आपका फुल पीसीबी हो गया, यहाँ पर बहुत आईसी लगी हुई है, ये पीएम हो गया, ये आपका सीपीयू हो गया, यहाँ पर आपका बीटी आईसी हो गया ब्लूटूथ आईसी, और यहाँ पर आपका चार्जिंग आईसी हो गया। फिर आप जो हमने 4th पार्ट में बताया था, फिर आप मल्टीमीटर से क्या करोगे, सभी इनके पास लगने वाले सभी कंपोनेंटों को स्टेप बाय स्टेप आप चेक करोगे कि कहीं कोई लाइन में शॉर्टिंग तो नहीं है। दोस्तों 4th पार्ट में हमने बताया था कि आपको मीटर से शॉर्टिंग मिल जाता है तो आप उसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपने 4th पार्ट नहीं देखा तो आप उसका 4th पार्ट पहले देखें। सेकेंड है आपका, जब आपने मीटर से चेक किया और आपको किसी भी आईसी के पास कोई भी पार्ट शॉर्ट नहीं मिला, यानी नो पार्ट शॉर्ट, ठीक है, तो आप फिर क्या करोगे, आपको मल्टीमीटर चेक किया तो कोई पार्ट्स हीट नहीं हुआ। सेकंड, हाफ शॉर्ट आपके सेट में अंदर है क्योंकि हमें डीजी पावर सप्लाई ने बताया था कि हमारे सेट के अंदर कहीं ना कहीं लीकेज करंट है। तो दोस्तों इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी शॉर्टिंग को हटाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हमारे फोन के अंदर पावर बनाने के लिए कौन सी आईसीओ का रिक्वायरमेंट रहता है। पहला होता है पीएम, जो कि हमारा सेकेंडरी वोल्टेज बनाता है। अब सेकेंडरी वोल्टेज क्या होता है, वो मैंने आपको बताया था 3.7 वोल्टेज से जो वोल्टेज आपका कम होगा वो आपका सेकेंडरी वोल्टेज होता है, ठीक है। अब ये कब बनता है, जब आपका मोबाइल ऑन होगा, अब सेकेंड आ गया हमारा पीएमआई जो कि चार्जिंग आईसी होता है। ये दो आईसी होती है जो कि हमारे सेट के अंदर पावर को बनाती है,
ठीक है। और हमारे सेट में शॉर्टिंग तो है, पर मीटर से चेक करने पर कोई भी लाइन आपको शॉर्ट नहीं मालूम हो रहा है। सेकंड, इसमें कोई पार्ट्स हीट भी नहीं हो रहा, एनी नो पार्ट्स हीट, यहां पर आपका कोई पार्ट्स हीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ये मालूम हो गया पावर आईसी के लिए दो आईसी जिम्मेदार होती है, पीएम और पीएमआई। सबसे पहले आप निकालोगे आउट आईसी, कब, जब नो लाइन शॉर्ट, आपको जब मीटर से कोई भी लाइन शॉर्ट नहीं मिलेगी और आपको डीसी पावर सप्लाई में शॉर्टिंग दिखाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना है, वो निकालना है आपको पहली आईसी, आपको निकालोगे चार्जिंग आईसी को, पीएमआई आईसी को, ठीक है। सेकंड आपको निकालना है पीएम को, पीएमआई को निकालने के बाद फिर आप डीसी पावर सप्लाई में लगाओगे। यदि यहां पर रीडिंग जो आपका ऑटो करंट ले रहा था, अगर आपको यहां पर अगर 0-0 हो जाता है तो आपका पीएमआई का फॉल्टी था, अगर सेम रहता है तो फिर आप उसके बाद पीएम को निकालोगे, फिर आप पीएम को निकालोगे। पीएम को निकालने के बाद अगर आपका शॉर्टिंग हट जाता है तो आपका पीएम फॉल्टी था। अब अगर आप दोनों आईसी को निकाल लेते हैं इस केस में, किस केस में, जब आपने अपने मदरबोर्ड के सभी कंपोनेंटों को मीटर से चेक किया, जो कि हमने फोर्थ पार्ट में आपको बताया था, और आपको कोई भी पार्ट्स इसमें हीट नहीं मिला, यानी शॉर्ट नहीं मिला, कोई लाइन आपको शॉर्ट नहीं मिला, तब आप क्या करेंगे, आप पीएम और पीएमआई को निकालेंगे, क्योंकि ये दो आईसी हमारी पावर बनाती हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि पीएमआईसी से हर सेक्शन के लिए कोई ना कोई लाइन जरूर जाती है, चाहे वो लाइट सेक्शन हो, चाहे ग्राफिक सेक्शन, चाहे सीपीयू, कोई भी सेक्शन हो, इसी से आपका जाता है। अगर आप इसे निकाल दें सारी लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप जैसे आप पीएम को निकालोगे आपका 90% शॉर्टिंग हट जाता है, जिस केस में कोई भी लाइन आपको मीटर से शॉर्ट ना दिखाए और ना कोई पार्ट उसमें हीट हो, ठीक है। सेकंड, कभी आपने देखा होगा जैसे अगर आपने पीएम को निकाला, एक केस ऐसा होता है कि आपने पीएम को निकाला और यहां पर पीएमआई, हमने बोला था अगर आपका कोई पार्ट्स हीट ना हो और मीटर से कोई भी लाइन शॉर्ट नहीं दिखा रहा, सबसे पहले आप पीएम को निकालेंगे। आपने इसको निकाला, आउट किया और आपका शॉर्टिंग नहीं हटा, जैसे आपने पीएम को आउट किया आपका शॉर्टिंग था जो हट गया, शॉर्टिंग था वो रिमूव हो गया, तो फिर आप पीएम को रिवॉल्व कर देंगे, इसको रिवॉल्व करके लगा देंगे और इस आईसी को आप चेंज कर देंगे, ठीक है। इस आईसी को आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। किसी केस में क्या होता है कि जब आप पीएम को निकाल देंगे तो आपका शॉर्टिंग हट जाएगा, बट जैसे ही आप पीएम को द्वारा लगाएंगे तो आपका शॉर्टिंग द्वारा आ जाता है। पीएम को जब आप दोबारा से नया लगाएंगे, न्यू पीएम लगाने पर शॉर्टिंग अगेन, शॉर्टिंग आपका द्वारा से आता। ये क्या प्रॉब्लम होता है, जब आपने पीएम को निकाला तो लाइन सारी डिस्कनेक्ट होगी, आपका हाफ शॉर्ट था वो हट गया, जैसे आपने पीएम को नया लगाया और आपके सेट के अंदर दोबारा शॉर्टिंग आ गई। ऐसा इसलिए होता है, जैसे ये आपका पीएम है, अब देखो यहां से कोई 2.8 वोल्टेज यहां पर आ रहा है, ठीक है। यहां पर आईसी के अंदर ज्यादातर एलडीओ लगे होते हैं, जब हमारी आईसी बनती है एलडीओ में आपकी इस तरह से 5 पिन्स होती हैं, यहां पर ये आपका हो गया इनपुट, यहां से आपका इनपुट हो गया और यहां से आपका 1.8 वोल्टेज, यानी यहां पर आपका 1.8 वोल्टेज आउट होना है, और ये आपका ईएन हो गया और ये आपका ग्राउंड हो जाता है। इसमें चार टिप्स होते हैं, बीच वाला भी इसमें ग्राउंड ही होता है। अब देखो ये आपका इनपुट हो गया, ये लाइन आपका आउटपुट हो गया। अब ये आउटपुट का लाइन का एक ओनली सिंगल कैपेसिटर जो कि पीएमआई से थोड़ा सा दूर लगा है, वो आपने मीटर से चेक किया था तो शायद यहां पर आप नहीं चेक कर पाए होंगे। अगर ये शॉर्ट है, ये क्या है आपका फिल्टर, और इन दोनों के बीच में लगा होता है डायोड, दो डायोड मिलकर बनता है ये, ठीक है। अब डायोड लगा हुआ है इसमें, अब क्या करते हो, जैसे आप इस आईसी को निकालते हो आपका शॉर्टिंग हट जाता है, क्योंकि ये लाइन आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब ये लाइन क्या है आपका आउटपुट का, ये लाइन आपका आउटपुट का लाइन है, ओनली आउटपुट का लाइन है, उस लाइन के अंदर ये ओनली सिंगल कैपेसिटर लगा हुआ है, या इसमें इसकी लाइन में और भी कैपेसिटर लगे हो सकते हैं,
तो आपको ये दोनों शॉर्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो आपने वो चेक किया तो आपको कहीं शॉर्ट नहीं मिला। तो ऐसा क्या होता है जब आप आईसी को निकालते हैं तो शॉर्टिंग आ जाता है दोबारा से? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ये कैपिटल शॉर्ट है, समझो ये वाला कैपिटल हमारा शॉर्ट हो गया। जैसे आप आईसी को निकालोगे यहां से इसकी लाइन कट हो जाएगी तो आपका शॉर्टिंग हट जाएगा। जैसे आप आईसी को लगाओगे और इसमें डायोड लगा हुआ है ऑलरेडी, आईसी को जैसे आप लगाओगे तो इसका इस लाइन में शॉर्टिंग है, तो ये लाइन जैसे ही इससे मिलेगा तो ये ऑटोमेटिक आईसी को शॉर्ट कर देगा। इसीलिए आपको जो आईसी की हर बॉल्स होती है ना, जब आप बिट मैप को ओपन करोगे, बिट मैप को जब आप ओपन करते हो तो वहां पर आपको येल्लो येल्लो कलर के जो आपको डॉट्स मिलते हो वो आपकी सप्लाई की पिन होती है। सप्लाई की आईसी की तुमको हर पिन को चेक करना है स्टेप बाय स्टेप करके। येल्लो पर या तो आपको सप्लाई आना चाहिए या तो ओनली वन रीडिंग, बीप नहीं आना चाहिए, बीप नहीं आना चाहिए। अगर जैसे आपने समझा कि ये आपका पॉइंट था, यहाँ पर आपने चेक किया ये येल्लो मार्क था और आपने मीटर से चेक किया तो आपको यहाँ पर बीप आया, तो समझ जाएंगे कि हाँ येल्लो लाइन है तो हमारा सप्लाई आना चाहिए या तो ओनली वन आना चाहिए। तो यहाँ पर बीप कैसे आ रहा है? उसके बाद क्या करेंगे आप, पीएम तो आपने निकाल दिया, फिर आप रोजन लगाएंगे और जिस पॉइंट पर आपको ग्राउंड आ रहा तो वहां पर आप फिर 4 वोल्टेज और 3 एम्पियर को सेट करके यहां पर वन टाइम क्लिक करोगे तो इस लाइन में लगने वाला जो भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा वो आपको हाईलाइट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं माइक्रो ट्रेसिंग, आईसी के अंदर से कैसे किसी भी लाइन को हटाया जाता है शॉर्ट। जो कि हम आईसी को लगाते हैं तो शॉर्टिंग हमारा हट जाता है और आईसी को लगाते ही शॉर्टिंग हमारा आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि किसी लाइन में लगने वाला कैपेसिटर जो कि उस लाइन जो भी उसका आउटपुट लाइन है उसको फिल्टर के लिए लगा होता है, ठीक है, प्योर डीसी बनाने के लिए लगा होता है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको प्रॉपर नॉलेज होगा बिट मैप का और आप जानते होंगे येल्लो हमारा सप्लाई वाला पिन है, तो आप सब पर चेक करना आपको स्टेप बाय स्टेप, जब भी आप उस समस्या को हटा पाएंगे जिस समस्या में आपका आईसी लगाने पर शॉर्ट होता है, निकालने पर उसका शॉर्टिंग हट जाता है, ठीक है। और आने वाले वीडियो इससे भी और भी धांसू होने वाली है और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी तो आपके 6 से लेकर 9 पार्ट्स अभी रह गए हैं, यदि आपका कमेंट रहेगा तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा।